नमस्कार किसान साथियों, अपना कृषि समाज चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम जो मिलवाने जा रहे हैं, उन किसान को मिलवाने जा रहे हैं जिनके पास में दोनों ट्रैक्टर टक्कर के ट्रैक्टर हैं। एक ट्रैक्टर है 5310 जॉनडियर का, जो एक जाना माना ब्रांड है, और दूसरा ट्रैक्टर है महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा 605 DI 57 HP का ट्रैक्टर है, और एक 5310 का 55 HP का ट्रैक्टर है। जिन किसान भाई के साथ हैं, दोनों ही साथ साथ लिए हैं लगभग, और कैसी इसकी परफॉर्मेंस रही है, कैसा इन ट्रैक्टरों के साथ में उनका अनुभव रहा है, तो आइए किसान साथियों मिलवाते हैं उनसे और जानते हैं दोनों ट्रैक्टरों का कंपैरिजन। तो श्रीपाल भाई, पहले तो हमारे दर्शकों को भाइयों को अपना जो एक परिचय दे दो। खिंचो, हाँ, परिचय, नाम, गांव का नाम। श्रीपाल, गांव कपसाई, जिला बुलंदशहर। तो श्रीपाल भाई, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से दोनों ट्रैक्टरों के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि ये दोनों ट्रैक्टर आपने कब कब लिए, कितना समय हो गया? कब का? ये 10 में लिया जी। अच्छा, 2010 में। अच्छा, और अर्जुन? अर्जुन 9 में लिया। अर्जुन 2009 में लिया। अच्छा अच्छा, तो काफ़ी समय हो गया आपको, बहुत 10 और 9 को लगभग आज के टाइम में 10-11 साल 12 साल होने जा रही हैं। तो दोनों का जो अनुभव है आपका, मतलब कैसा रहा, दोनों के अगर कंपेरिजन की बात करें तो कैसा काम कर रहे हैं दोनों? काम तो जी सही कर रहे हैं दोनों ही। दोनों ही सही कर रहे हैं, दोनों बड़े यार। लेकिन ये क्या, लोड तो जी उसके ऊपर है। अच्छा, डीजल तो उसके ऊपर, लोड के ऊपर, जैसा लोड दोगे ऐसा डीजल उठाएगा। अच्छा, डीजल के एवरेज की बात करें तो डीजल का मानना है कि जैसा काम करोगे वैसा डीजल खाता है। बस। अच्छा, दोनों के एवरेज की बात करें तो मतलब काम में और डीजल में, इस ट्रैक्टर में और दोनों ही टक्कर के ट्रैक्टर हैं, उसमें आपको क्या अंतर महसूस होता है? अंतर क्या, जॉन डियर में थोड़ी ताकत ज़्यादा सी लगाए। अच्छा, जॉन डियर में जो है PTO पावर ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा सी लगती है। मतलब दबता नहीं है? बस। अच्छा, तो मतलब डीजल का एवरेज घंटे में या बीघे पे क्या मान के चलें? भाई 1 लीटर का ही मानो। 1 लीटर बीघे का, मतलब 1 एकड़ में 6 लीटर। एक एकड़ में 6 लीटर दोनों का ही लगभग। सही काम करोगे तो एक तो खाएगा ही। अच्छा, 1 लीटर दोनों खाएगा। अच्छा, जैसे इतना समय हो गया आपको, तो जॉन डियर में या दोनों ट्रैक्टर में किसी प्रकार की कोई परेशानी या ऐसी कोई दिक्कत लाइफ के बारे में, मतलब मेंटेनेंस के बारे में, दोनों ट्रैक्टरों में आप क्या कहोगे, कौन से का कम मेंटेनेंस लगा और कौन से का जो मेंटेनेंस है किसान के लिए ठीक रहेगा? किसान के लिए तो जी युवक है, महिंद्रा ही ठीक है कुल मिलाकर। अच्छा, किसान के लिए महिंद्रा। अच्छा, उसकी क्या वजह है साहब? वजह का एक तो खर्चा भी कम है उसका। अच्छा, तेल का एवरेज थोड़ा सा कम है। थोड़ा कम है, और सामान भी सस्ता मिलता है उसका। अच्छा, सामान जो है सस्ता मिलता, मतलब जॉन डियर के अच्छा कम मिले। अच्छा, सामान सस्ता मिलता है। अच्छा, एक तो सामान की बात रही, सर्विस भी कम की हो गया है। सर्विस कम की होती है? अच्छा, कितने कितने की सर्विस होती है लगभग? वहाँ ऐसे 2500 रुपये लगाए मैं इसके बाद। 2500। अच्छा, जॉन डियर में? जॉन डियर में तो 5000 से नीचे बात बनती ना सर्विस की। जो सब पड़वान लगे हैं तो 5000 के लमसम। हमारे एयर फिल्टर और हाइड्रोलिक फिल्टर और इसकी की बात करें, लगभग 35-4000। चलो, अच्छा, ये तो बात हो गई डीजल एवरेज की। तो डीजल एवरेज में आप बता रहे हो, डीजल एवरेज के बारे में बता रहे हो कि लगभग दोनों का सेम है और लोड के हिसाब से डीजल का खर्चा भी है। अच्छा, दूसरी बात, आपने दोनों ट्रैक्टर किस किस इम्प्लीमेंट पर चलाते हो? इम्प्लीमेंट अच्छा, एक रूटा बटर पर चला मैं जाता रहा, एक है रोटलर, ये गेहूँ बोने मशीन बस, और कटर थ्रेसर। हाँ, कटर तो दोनों ही चले हैं, कटर पर तो ये है। अच्छा, कटर थ्रेसर और है रोटलर और अच्छा, तो दोनों, मतलब दोनों ट्रैक्टरों का ही परफॉर्मेंस अपनी अपनी जगह ठीक है। अच्छा, मतलब ठीक है। अच्छा, एक एक अच्छाई और बताइए दोनों ट्रैक्टरों की, इसमें आपको सबसे अच्छा क्या चीज़ लगता है और महिंद्रा में क्या लगता है? महिंद्रा में क्या जी, थोड़ा पैसे में अंतर है, सर्विस में थोड़ा अंतर आवा है। अच्छा, बचत हो जा महिंद्रा में थोड़ी सी हुआ है। अच्छा, और सामान पामान भी कुछ कम का ही आवा है। सामान वामान, हाँ, मतलब जो सर्विस का सामान है या पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है या प्राइस है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। महिंद्रा के जो पार्ट्स है वो कुछ सस्ते हैं और जॉनडियर के कुछ पार्ट्स महंगे भी हैं। और मेंटेनेंस में दोनों में कभी कोई मेंटेनेंस आया, ऐसा कोई खर्चा के जो थोड़ी कोई दिक्कत हुई हो या ऐसा महसूस जॉनडियर की तरफ से या महिंद्रा की तरफ से किसी में कोई खर्चा, इंजन का, पंप का या क्लच ब्रेक?
किसी पर कोई काम, मोटे तो काम होते ही रहे जिनमें। अच्छा वैसे छोटे मोटे बड़े काम को ज्यादा होते ना। अच्छा अच्छा अच्छा, छोटे मोटे तो जब क्लिस प्लेट चली गई चलो वो तो घिसती है, वो तो बदलती रहती है, वो तो चलती है, और वैसे कोई खर्चा है ही नहीं ज्यादा। अच्छा वैसे दोनों ट्रैक्टरों से आप पूरी तरह मतलब संतुष्ट हो? हाँ बस, काम की प्रति संतुष्ट हो बस, मतलब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा मैं हमारे दर्शकों को एक चीज़ और बताइए, अगर आप कोई किसान भाई ट्रैक्टर लेना चाहे तो आप किसकी सलाह दोगे, जॉन डियर और महिंद्रा अर्जुन में? का ही एक बड़ा नाम है महिंद्रा 605, अर्जुन का भी बड़ा नाम है और जॉन डियर 5310 है, ये भी अपने नाम से जाना जाता है। तो इसमें आप किसान भाइयों को, क्योंकि आपके पास में काफ़ी अनुभव है और दोनों ट्रैक्टरों को आप काफ़ी लंबे समय से चला रहे हो, तो परफॉर्मेंस की भी आपको पूरी मालूम है, अच्छी जानकारी है, और डीजल के खर्चा की भी आपको अच्छी जानकारी है, मेंटेनेंस के भी बारे में आपको जानकारी अच्छी है, तो इनमें कौन से ट्रैक्टर को सलाह देना चाहोगे किसान भाइयों को? कौन से का? दोनों ही ठीक है अपनी जगह। हाँ अपनी जगह दोनों ठीक हैं, और ज़्यादातर जॉन डियर में थोड़ा ताकत ठीक है, मतलब दम लगाने में जॉन डियर थोड़ा हाँ ताकत अच्छा। ज़्यादा लगा दे इससे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा। तो किसान भाइयों हमने बात कराई जो दोनों ट्रैक्टरों के ओनर हैं श्रीपाल सिंह, काफ़ी अनुभव इनके पास में है, काफ़ी लंबे समय से ट्रैक्टर चला रहे हैं, दोनों ही ट्रैक्टर अच्छे हैं, अपनी टक्कर के ट्रैक्टर हैं। तो ये था एक किसान रिव्यू। किसान साथियों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।